YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पिछले 14 अप्रैल की सुबह महुआ चुनने निकली पांकी थाना क्षेत्र के केरकी गांव निवासी कृष्णा प्रजापति के अपहरण कांड का पलामू पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए कांड में शामिल चार अपहरणकर्ताओं समेत पांच अपराधियों को गोगाट गांव के ही दक्षिण छोर पर अवस्थित पहाड़ी से गिरफ्तार कर अपहृत कृष्णा प्रजापति को भी सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने मौके से ही एक देसी कट्टा, तीन भरेटुआ बंदूक, छह जिंदा कारतूस, छह मोबाइल सेट जिसमें फिरौती में प्रयुक्त सिम नंबर भी शामिल है बरामद कर लिया। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में गोगाट गांव के ही कुंदन कुमार, सुरेंद्र कुमार यादव, संदीप भुइयां और संत भुइयां के नाम शामिल हैं, जो पूर्व में भी तीन अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस अधीक्षक इंद्रित माता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सटीक सूचना पर पुलिस की गठित छापामार टीम ने साहस का परिचय देते हुए पहाड़ी की घेराबंदी कर चारों अपराधियों को खदेड़ कर दबोच लिया, जो कुछ वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार अपहरण की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय थे। कहा कि यह भयमुक्त पलामू बनाने की दिशा में पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। बाकी थाना क्षेत्र से कुल पांच अपराधी जो कि एक अपहरण करने वाले गैंग के रूप में सक्रिय थे, उन सभी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव, कुंदन भुइया, संतु भुइया, सुरेंद्र कुमार यादव और संदीप भुइया, ये सभी गोगाट पांकी के रहने वाले हैं। ये लोग एक गैंग बनाकर अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो इसी आधार पे सबसे पहले जो है जितेंद्र कुमार यादव की गिरफ्तारी हुई और उसकी निशानदेही पे अन्य चारों की गिरफ्तारी हुई, और जो अपहृत था, अपहृत कृष्णा प्रजापति, उसको जो है सकुशल बरामद कर लिया गया है। वो मोबाइल जिससे रंगदारी मांगी गई थी फिरौती, उसको भी सेट के साथ सिम के सहित बरामद कर लिया गया है। कुल चार हथियार बरामद हुए हैं, छः मोबाइल सेट बरामद हुए हैं, तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे पूर्व भी जो तीन अपहरण, पांकी में दो अपहरण और लेस्लीगंज में एक अपहरण, जिसमें दो शिक्षक थे और एक जो है डीलर का बेटा था लेस्लीगंज में, उसका जो अपहरण हुआ था उसमें इसी गैंग की भूमिका थी, तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया है, उद्भेदन हो गया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है उस क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।